What's up guys? It's day 3 in Rishikesh और अभी हम रूम में रुके हुए हैं. इसके बाद हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करने वाले हैं. अभी मैंने ब्लॉग जा खत्म किया था पिछला वाला, तो हम केदारनाथ में थे. अभी उसके कल का दिन हम पूरा ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया. तो अभी आज हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, आगे देखते रहिए पूरा का पूरा ब्लॉग. सो हे दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए. बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हूँ. कभी सोचा नहीं था कि रिवर राफ्टिंग करेंगे, तो देखते हैं. और मौसम भी बहुत बढ़िया होने वाला है. अभी आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा है. बारिश के बादल छाए हुए हैं, बहुत मज़ा आने वाला है राफ्टिंग के लिए. चलो फिर मिलते हैं. Few moments later. राफ्टिंग करने के बाद कैसे लगा आप लोग को? जो भी है, जय बाबजी, जय बाबजी. इनके एक्साइटमेंट देख के तो लग रहा है बहुत मजा आया. और क्या होता है यार, बहुत मजा आया राफ्टिंग करके. और बारिश ने तो चार चांद लगा लिया यार. सांसें फूल गई थी, बीच में वापस ऊपर आ गया था, पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. सही बात. वेलकम बैक. क्या मजा आया राफ्टिंग करके यार, सही बता रहा हूँ. जो फीलिंग है राफ्टिंग करने के बाद, बहुत ही अलग फीलिंग थी. और राफ्टिंग के टाइम पे ओले बरसे, बारिश गिरी, तूफान आया, बिजली चमक रही थी, फिर भी जो मजे आया ना अलग ही लेवल के थे. बहुत बहुत मजे आए हमको. तो अभी हम बारिश में वेट कर रहे हैं. और ये देखो हमने क्या पहना है. इसे कहते हैं जुगाड़ वाला रेनकोट. जी हाँ, जुगाड़ वाला रेनकोट. और हमारे साथ एक नए फ्रेंड भी है. हाय, मेरी बात कर रहे हो? ये आप तो हो ही. ये नए फ्रेंड है. उनका नाम, आपका नाम? शिवानी. शिवानी, ये उज्जैन से है. तो ये भी हमारे साथ अभी फिलहाल ऋषिकेश में राफ्टिंग कर बने घूम रहे हैं. गंगा माता की पूजा करने के बाद बहुत बहुत सुकून मिलता है. जैसे कि आप देख सकते हो टीका लगा है. और एक बात आप इसे देख रहे हो, पीछे बिजली चमक रही है, गाना बज रहा है बहुत जोर से, आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर बहुत सुकून मिला. पीछे देख रहे हो, ये है राम झूला. बहुत बहुत वेलकम बैक टू द चैनल. और आज है, क्या बोल सकते हैं, आज है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 5वां दिन ऋषिकेश में. और अभी हम जाने वाले हैं नीलकंठ मंदिर में. उससे पहले थोड़ा सा एडवेंचर कर रहे हैं. यहाँ पे आप इसे पीछे देख सकते हो, गंगा नदी बह रही है, बहुत बहुत तेज़ी से बह रही है. कल ही हमने यहाँ पे राफ्टिंग करी थी. चलो फिर अभी आपको थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के, जो कल मैं नहीं दिखा पाया था.
trees, but I keep searching for your traces in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. नदी की जो आवाज आ रही है, क्या सुकून मिलता है, क्या शांति मिलती है यहाँ पे. और सही बात बोलूं, बहुत मजा आ रहा है. अभी हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ के मंदिर के पास. अभी थोड़ा चल रहे हैं आगे, चलो चलते हैं. वेलकम बैक. अभी हम मंदिर के दर्शन करके आए और थोड़ा आगे आए हैं ताकि आपको मैं एक कहानी बता पाऊँ जो है नीलकंठ महादेव के बारे में. एक कहानी बता पाऊँ अभी नीलकंठ महादेव जी. नीलकंठ क्यों बोलते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन की कहानी आपको पता होगी, तो उसमें दो चीज़ हुई थी. समुद्र मंथन के बाद देवों और दानों के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो विष निकला था वो महादेव जी ने अपने मतलब ना प्राशन कर लिया. महादेव जी ने वो विष प्राशन कर लिया और विष उनके गले में यहाँ पर रख गया. इसके लिए उनको नीलकंठ महादेव जी बोलते हैं. तो ये नीलकंठ महादेव जी की कहानी. अगर ये मंदिर आना है तो आपको ऋषिकेश से कुछ 25 किलोमीटर है यहाँ से ये मंदिर पर आने का जो रास्ता है, अलग ही खूबसूरती है. मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक पे आओ, अलग ही मज़ा आता है बाइक से यहाँ पे राइड करके आने के लिए. सिर्फ 25 किलोमीटर्स है और कुछ नहीं. और आओगे तो लाइन तो बहुत लंबी होगी, तो उसके लिए तैयार रहना. तो ये था नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में. अभी हम आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते. लंबी लाइन के बाद अभी हम रुके हैं तो जहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए. मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा एक झरना है, चलो आपको दिखाते हैं. और एक खास बात, ये झरने का जो पानी है वो जाके ये जो कुंड दिख रहा है उसमें जाके वो मिल जाता है. अभी हम आए हैं नीर वाटरफॉल देखने. इसका एंट्री फी है, हर एक का अलग अलग एंट्री फी है. तो 30 rupees पर पर्सन है और आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा एंट्री के लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. तो पानी से आने के बाद एक बहुत बड़ी खबर मिल सकती है कि पुनीत भाई के नाइकी के चप्पल गुम हो गए. तो पुनीत भाई बहुत बहुत दुखी है पुनीत भाई.
तो नीरगंगा वाटरफॉल में नहाने के बाद अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे हम, तो देखते हैं नाश्ते में क्या मिलता है यहाँ पे। और नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। चलो फिर भैया, क्या कर रहे हो? आर्य भैया के तो बहुत दुखी है बेचारे के, 1400 के नाइकी के चप्पल चोरी हो गए। बात चप्पल की नहीं है, बात नाइकी की है। तो अभी हम नाश्ता करने वाले हैं, अगर नाश्ता खत्म हो रहा है तब तक अभी टाइम लैप्स देखते हैं। इतना प्यारा सनसेट देखने के बाद अभी हम जाने वाले हैं हमारे घर पे, यानी कि हमारे हॉस्टल में। चलो फिर मिलते हैं बाद में। अभी भी चप्पल नहीं मिली है। अभी भी भाई की चप्पल नहीं मिली है। जय गंगे माता, मैया जय।